গুরুত্বপূর্ণ খবর। লোকসভাত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ভাষণ আরম্ভ করেছে, অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্ক ভাষণ দিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগুলি। আমি পুনপটীয়া সম্প্রচার লৈ যাব বিচাৰিছো আপনার। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंब करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति ना जनता को अविश्वास है, ना सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है, वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।